सरकार की योजना संभव योजना के तहत नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई की। इस दौरान मोहल्ला दरबारे कला निवासी रुखसाना ने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र न बनने की शिकायत दर्ज कराई। बताया कि 18 जनवरी 2022 को आवेदन करने के बावजूद आज तक बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। इस पर ईओ ने पटल कर्मचारियों को फौरन तलब कर जमकर फटकार लगाई, वेतन रोकने का आदेश जारी किया। वहीं ईओ ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी को हटाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखने के बाद उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे नगर विकास मंत्री जी ने संभव दिवस के नाम से नगरी समस्याओं को सुनने के लिए एक दिन निर्धारित किया है, उसी के क्रम में आज एक महिला इस दिवस में आई थी। उसके द्वारा शिकायत की गई कि उसका जो है जन्म सर्टिफिकेट उन बच्चों का नहीं बनना है, तो मेरे द्वारा जब उसके प्रत्यावेदनों की जांच की गई तो पाया गया है कि उसका जनवरी से जो है आवेदन जो है वो किसी न किसी पटल स्तर पर लंबित है, जिसको देखते हुए मेरे द्वारा जो संबंधित लिपिक है या पूरा विभाग है जन्ममृत्यु विभाग है उसका वेतन रोक दिया गया। चूंकि यहाँ जन्ममृत्यु रजिस्ट्रार जो है जो नगर स्वास्थ्य अधिकारी है उनके द्वारा ही जो है ये विभाग देखा जा रहा है, तो बार बार शिकायतें जन्ममृत्यु पटल से प्राप्त हो रही हैं, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी महोदय को नगर स्वास्थ्य अधिकारी को बदलने के लिए मेरे द्वारा आज एक पत्र भी लिखा जाएगा ताकि इस विभाग में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बंद हों। और जैसा कि हमारी सरकार का हमारे नगर विकास मंत्री जी का उद्देश्य है कि 24 घंटे में जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो, उसके लिए जो भी हमसे बन सकेगा नगर पालिका उस संदर्भ में कड़े कदम उठा रही है।